तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दुर्गेश मौर्या। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि जो 9 इंच की दीवार होती है, 9 इंच की दीवार को कैसे बनाया जाता है, जो ईंट की 9 इंच की दीवार होती है इसको कैसे बनाया जाता है, और 9 इंच की दीवार पे साउल कैसे करते हैं और मसाला कैसे बचाते हैं। मैंने पूरी कम्प्लीटली वीडियो बनाई। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन दोस्तों मैंने पूरा बताया कि 9 इंच की दीवार में साउल कैसे करते हैं, क्या क्या सावधानियां रखनी है आपको, और मसाला कैसे बिछाया ये भी बताऊंगा। और कम्प्लीटली मैंने फुल नॉलेज दिया, ठूस ठूस के नॉलेज भरा है। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो दोस्तों, 9 इंच दीवार बनाने के लिए सबसे पहले आपको इस प्रकार से मसाला बिछा लेना है। जो आपकी 9 इंच की दीवार है वहाँ पे आपको इस प्रकार से मसाला बिछाते जाना है, और मसाला बिछाते समय भी फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है, मसाला आपका ज़्यादा ढीला भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा कड़क भी नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। तो आपको इस प्रकार से मसाले की एक एक लेयर बिछा लेनी है। तो अगर आपको मसाला बिछाना नहीं आता 9 इंच की दीवार पर, तो मुझे कमेंट करना, मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा कि 9 इंच की दीवार पर मसाला कैसे बिछाते हैं, अच्छे से मैं बताऊँगा। तो इस प्रकार से आपको 9 इंच की दीवार पर मसाला बिछा लेना, एक लेवल में बिछाना फ्रेंड्स। ऐसा नहीं कि आप कहीं पे तो मसाले को ऊंचा लगा रहे हो, कहीं पे नीचे लगा रहे हो, तो फिर आपकी जो ईंटें हैं एक सूद में नहीं आएगी। कहीं पे ईंट ऊपर उठ जाएगी तो कहीं पे डाउन चली जाएगी, तो टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, एक मेरे कहने का मतलब जिग-जैग आकृति में हो जाएगी। तो आपको यहाँ पर एकदम अच्छे से लेवल में मसाला बिछाना बिल्कुल। तो मसाला है जो फ्रेंड्स कलाकारी मसाले में ही है। अगर आप मसाला सही से बिछा लेते हो तो जब आप ईट रखोगे तो वो एकदम एक लेवल में आ जाएगी, समझ गए ना आप। तो बस यही कहना चाहता हूँ कि मसाला आपको बिल्कुल एक लेवल में बिछाना है, और ना ही तो ज़्यादा गीला बिछाना है और ना ही ज़्यादा कड़क बिछाना है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप जिस प्रकार से देख रहे होगे, ये मेरा पार्टनर है, ये बिचारा मैं भी वीडियो बना रहा हूँ, तो ये इनको फ्रेंड्स मैं वीडियो बनाने के लिए बोलता हूँ तो फ्रेंड्स अच्छे से नहीं बना पाते, इसलिए मैं बना रहा हूँ वीडियो और ये काम करें। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आपको मसाला बिछा लेना, और मसाला बिछाने के बाद आपको ईंट इस प्रकार से लगानी है। तो फ्रेंड्स, उधर आप खड़ी ईंट देख रहे हो, वो हमारी 4 इंच में जाके जुड़ जाएगी कुल मिला के। आप इधर देख रहे होंगे एक बंदा और काम कर रहा हमारा, तो हमने एक ईंट उधर निकाल दिया कि वो 4 इंच में जुड़ जाएगी। तो फ्रेंड्स, आपको इस प्रकार से जोड़े काटते जानी है, और जैसे आप अगर ज़्यादा जोड़े आते हो फ्रेंड्स, आपको इस प्रकार से 8 ईंट लगा देना, और इस प्रकार से जो कुल मिला के जोड़े काटते जाना आपको ईंटों की, और ईंटें जमाते जाना इस प्रकार से। और आपको यहाँ पे ये काम धीरे धीरे करना है, ऐसा नहीं कि आप बहुत ही ज़्यादा धां धूं में कर दो, ऐसा नहीं करना आपको। बहुत पुराने मिस्त्री तो फ्रेंड्स क्या कि वो जल्दी से कर लेते हैं, लेकिन जो आप नए मिस्त्री हो तो आप बिल्कुल धीरे धीरे से आराम से जोड़ों को काटते जाइए, और इस प्रकार से ईंटें जमाते जाइए बिल्कुल एक लेवल में। तो फ्रेंड्स, हम इनको सूत सावल में बाद में करेंगे, सबसे पहले आपको ईंट को फ्रेंड्स अच्छे से जमा लेना। ईंट इधर उधर हिलनी नहीं चाहिए फ्रेंड्स, ईंट को अच्छे से दबा के अच्छे से मसाले में अच्छे से इसको हिलने नहीं देना है फ्रेंड्स। ऐसा नहीं कि आप लगा के छोड़ दो और ईंट हमारी हिल रही है, ऐसा नहीं करना आपको। और फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे 2 जोड़े, अधिकतम आपके 2 जोड़े आ जाएगी तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, लेकिन तीसरी जोड़ नहीं आनी चाहिए। अगर 3 जोड़े आ गई फ्रेंड्स तो बाद में आपकी दीवार में क्रेक आ जाएंगे, तो 2 जोड़े तो चलता है फ्रेंड्स। अगर आपकी ईंट की दीवार में 2 जोड़े आ रही हैं तो चलेगा, तो लेकिन 3 जोड़े आपको नहीं देनी, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। और जोड़ काटते हुए आपको इस प्रकार से ईंटों को जमा लेना है, और जहाँ पे फ्रेंड्स दर्ज आती है वहाँ पे 8 ईंट लगा दो, और जहाँ पे दर्ज नहीं आती, जहाँ देखो यहाँ पे दर्ज नहीं है तो मैं यहाँ पे खड़ी ईंट लगा रहा हूँ, और आगे आप देख सकते हो 8 ईंट आ रही है, खड़ी ईंट ऑलरेडी लगी हुई है नीचे, तो आपको यहाँ पे ऊपर 8 ईंट लगा देनी इस प्रकार से। तो इतना तो आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी इसमें समस्या वाली बात नहीं, आप आराम से लगा लोगे। तो अब बारी आती है फ्रेंड्स साउल कैसे करते हैं। तो 9 इंच की दीवार में आपको इस प्रकार से सामने वाला फेस होता है ईंट का, जिसको हम टोटा बोलते हैं, उसको नीचे नीचे वाली ईंट से इस प्रकार से साउल करना है। बिल्कुल साउल को 0 में रखना, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स आप साउल को इधर उधर हिला रहे हो, साउल के और निचली ईंट के मध्य में साउल के धागे जितना आपको दूरी रखना, और अच्छे से साउल कर लेना, और फिर बाद में आपको इधर की साइड भी आपको नीचे नीचे वाली ईंट से साउल करना। एक बात ध्यान रखना फ्रेंड्स कि जिस ईंट से आप साउल कर रहे हो हर बार उसी ईंट से साउल करें। तो इस प्रकार से साउल कुल मिला के नीचे से हिलनी चाहिए, और उधर की साइड भी आपको इस प्रकार से साउल कर लेना है। तो आपको 3 साइड ही साउल करना, और ऐसा नहीं कि फ्रेंड्स आप आगे की साइड जो ईंट के आगे की तरफ उधर भी साउल कर दो, उधर नहीं करना, क्योंकि हमने इधर आगे की साइड कर लिया था, और जो हमारी ये वाली ईंट देख रही हूँ हमारी 4 इंच की दीवार में जाके जुड़ेगी, तो इधर भी साउल कर लेता हूँ मैं, क्योंकि फ्रेंड्स हम बाद में इसकी दर्जे पे करेंगे तो समस्या वाली बात नहीं रहेगी। ये आगे जाके जुड़ेगी 4 इंच की दीवार, आप देख सकते हो उधर, कुल मिला के बोल सकते हो कि हम 4 इंच का दाड़ा छोड़ रहे हैं इधर, तो इधर भी आपको इस प्रकार से अच्छे से साउल कर लेनी है। बाद में फ्रेंड्स आपको क्या करना है कि जो आपका सूत होता है वो सूत को फ्रेंड्स आप इस प्रकार से मिला लीजिएगा, सूत को इधर ईंट में लगा दीजिएगा, और सूत को अच्छे से टाइट कर लीजिएगा।
तो सूत को अच्छे से टाइट करना और ईंट के अंदर इस प्रकार से फंसा देना, या फिर हेल्पर की मदद से आप इसको पकड़वा सकते हो। जिस ईंट के हमने सावल की वहाँ पे आप इसको लगा दीजिएगा। और जो फ्रेंड्स आपकी ईंटें ऑलरेडी टच हो रखी हैं उनको सबसे पहले दूर करें, जो ऑलरेडी सूत से टकरा रही हैं आगे की ओर उनको दूर करें, और फिर बाद में आप इन सारी ईंटों को सूत से मिला दें। और मिलाते समय भी फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना ईंट को, ऐसा नहीं कि फ्रेंड्स आप ईंट को ज़्यादा धक्का दे रहे हो तो सूत के वो टच हो रही है, बिल्कुल सूत से मिलाना है इनको। ऐसा नहीं कि फ्रेंड्स आप ईंट को धक्का दे रहे हो और सूत ही हमारा उधर आगे होके फूल गया, ऐसा नहीं करना आपको। आपको बिल्कुल धीरे धीरे से सूत से इस प्रकार से मिला देना है। तो आप देख सकते हो इस प्रकार से हम मिला रहे हैं इस प्रकार से, तो कोई बड़ी बात नहीं फ्रेंड्स, आप सीख जाओगे बहुत जल्दी। ऐसी बात नहीं है कि फ्रेंड्स आप सीख नहीं सकते, सब फ्रेंड्स माँ के पेट में कोई सीख ही नहीं आता, सब बाहर आने के बाद ही सीखते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो फ्रेंड्स उधर की साइड मिलाने के बाद आपको इस प्रकार से खड़ी ईंटों को फ्रेंड्स कुछ नहीं करना है, जो हमारी आड़ी ईंटें लगी हुई हैं आड़ी ईंटों को इस प्रकार से मिला देना। खड़ी ईंटों के आपको कुछ भी नहीं करना, क्योंकि खड़ी ईंट हमारी ऑलरेडी उधर की तरफ मिल चुकी है, तो आपको खड़ी ईंटों को कुछ भी नहीं करना और आड़ी ईंटों को इस प्रकार से सूत से मिला देना। तो हमारी दोनों तरफ से सूत और सावल में ये हो जाएगी, और जब तक आप चुनाई करोगे फ्रेंड्स आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। अगर आप इस तरीके से चुनाई करोगे तो आपको आगे चलिए कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो अब बारी आती है फ्रेंड्स इनकी दर्जे पे करने की। तो फ्रेंड्स दर्जे पे करने के लिए आपको ढीला मसाला लेना, वो जो गीला मसाला होता है पानी वाला वो मसाला लेना। अगर आप कड़क मसाले से कम पानी वाला मसाला यूज करोगे तो फ्रेंड्स वो अच्छा नहीं रहेगा, फिर बाद में आपके क्रेक आ जाएंगे। तो आपको ढीला मसाला लेना, वो ढीला मसाला इस प्रकार से दर्जों के ऊपर पैक करते जाना, और आपको आराम आराम से इसको दर्जे पैक कर दीजिएगा। दर्जे पैक करते समय आपको ईंटों को हिलाना नहीं, ऐसा नहीं कि आप जो आपके हाथ में करनी है उससे आप ईंटों को हिला दो, वो आपकी सूत सावल बिगड़ जाएगी। तो आपको इस प्रकार से गीले मसाले से इसको दर्जे पैक कर देनी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स। और अगर आप यहाँ तक मेरी वीडियो को देख रहे हो फ्रेंड्स, तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए। और अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए फ्रेंड्स मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय फ्रेंड्स।